Hello and welcome students. Today I'm here with another very important topic which are committees. जो अब set होती हैं committees different purposes के लिए एक company में, तो वो आज हम discuss करेंगे. So first of all, remuneration committee. अब firstly तो हमें यह पता होना चाहिए कि remuneration क्या होती है. Remuneration होती है जो salary, जो amount हम डायरेक्टर्स को, मोस्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो हम सैलरी देते हैं, उसको हम सैलरी का नाम नहीं देते बल्कि हम उसको रेम्यूनरेशन का नाम देते हैं. ठीक है, तो ये होती है रेम्यूनरेशन. अब रेम्यूनरेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन सेट कौन करता है या किस तरह से सेट होती है? अब ऑब्वियसली डायरेक्टर्स जो हैं वो दे आर नॉट अलाउड टू सेट देयर ओन पे. ठीक है, जैसे इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट आप देखें कि नो डायरेक्टर इज अलाउड टू सेट इट्स ओन पे. अब बिकॉज कोई डायरेक्टर अलाउड नहीं है कि अपनी रेमुनरेशन वो खुद सेट करे, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से कमेटी बनाई होती है जिसको हमने रेमुनरेशन कमेटी का नाम लिया. उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो डायरेक्टर्स की पे या सैलरी जो रेमुनरेशन है वो सेट करे. अब रेमुनरेशन कमेटी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं दे आर NEDs, इंडिपेंडेंट NEDs. ठीक है, NEDs होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन को सेट करते हैं. ठीक है, अब वो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं एक रेमुनरेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन को सेट करने के लिए, वो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेमुनरेशन है इट शुड बी मार्केट ड्रिवन. मार्केट ड्रिवन इस तरह से होनी चाहिए कि जिस तरह से आपका कंपेटिटर या और कंपनीज उस डेजिग्नेशन के डायरेक्टर को या फिर जो वो वर्क परफॉर्म कर रहा है उस तरह के डायरेक्टर को वो जितनी सैलरी दे रही हैं आपकी भी तकरीबन उतनी होनी चाहिए. ठीक है, मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए. एंड सबसे बड़ी बात ये है, इससे ये होता है कि दैट अमाउंट विल मोटिवेट द डायरेक्टर. ठीक है, और उसको वहाँ उस कंपनी में रिटेन रखेगा. ऑब्वियसली अगर वो वहाँ उसकी मार्केट ड्रिवन सैलरी या रेमुनरेशन नहीं होगी, उससे कम होगी, तो वो जो डायरेक्टर है वो स्विच करने की कोशिश करेगा. वो किसी और कंपनी में जाएगा जहाँ पर उसको उससे ज़्यादा अच्छी पे मिल रही होगी, अच्छी रेमुनरेशन मिल रही होगी. तो बेसिकली जब आप मार्केट ड्रिवन रेमुनरेशन रखते हैं तो वो हेल्प करता है डायरेक्टर को मोटिवेट भी करने में और उसको रिटेन करने में कंपनी में. अच्छा, अब जो सैलरी होती है, जो रेमुनरेशन होती है उसकी, अब वो रेमुनरेशन दो पार्ट्स पर डिवाइड होती है. एक होता है उसका फिक्स्ड पार्ट और एक होता है उसका परफॉर्मेंस बेस्ड पार्ट. ठीक है, अब जो फिक्स्ड पार्ट है सैलरी का, वो तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि इतनी आपको हर महीने, मंथली या एनुअली, वो इतनी आपको मिलेगी. ठीक है, बट उसके साथ होता है परफॉर्मेंस बेस्ड. अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड पार्ट होता है वो ज़्यादा पार्ट होता है, वो उसकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है. अब वो किस तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड किस तरह से होती है कि वो एनुअली, ईयरली बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट होती है और जितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती है, जो प्री सेट और एक जो रेशो होगी उस हिसाब से उनको वो परफॉर्मेंस बेस्ड रेमुनरेशन भी मिलेगी. वो पार्ट जो है परफॉर्मेंस बेस्ड वो भी मिलेगा. वो बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहा होगा और परफॉर्मेंस उनकी ईयरली बेसिस पे इवेल्यूएट होती है. ठीक है, तो ये रेमुनरेशन कमेटी के कुछ पार्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्कस किए हैं अभी. नाउ नेक्स्ट इज नॉमिनेशन कमेटी. अब नॉमिनेशन कमेटी का इफेक्टिवनेस में बहुत बड़ा हाथ होता है. किस चीज़ की इफेक्टिवनेस में? बोर्ड की इफेक्टिवनेस में. अब नॉमिनेशन कमेटी जो होती है, सबसे पहले तो वो ये देखती है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रेशो कितनी है बोर्ड में. ठीक है, और वो ये हमेशा ये चाहते हैं कि NEDs की जो रेशो है वो ज़्यादा रहे, क्योंकि जो एक बोर्ड होता है उसमें हमेशा से जो रेशो इस हिसाब से चलती है कि 50% 50-50 के हिसाब से होता है कि 50% NEDs होंगे, 50% EDs होंगे. बट जो चेयरमैन होगा बोर्ड का वो भी NED होगा, तो इस हिसाब से जो बोर्ड में NED की जो रेशो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से. ठीक है, उसके बाद नॉमिनेशन कमेटी वाले क्या करते हैं कि दे नॉमिनेट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर फर्दर इलेक्शन इन AGMs. जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, AGMs जो होती हैं, उनके अंदर अगर कोई उन्होंने कोई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेलेक्ट करना है तो उसको वो इलेक्ट करवाते हैं, नॉमिनेट करते हैं बेसिकली उसको. फिर वो उसका इलेक्शन होता है और फिर एक प्रोसेस के थ्रू वो सिलेक्ट होता है. नेक्स्ट इज पास्ट परफॉर्मेंस. वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और NEDs वगैरह इन सब की वो पास्ट परफॉर्मेंस को भी इवेल्यूएट करते रहते हैं साथ, मोस्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की. और अब जब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जब पास्ट परफॉर्मेंस वो इवेल्यूएट करते हैं, तो दे इवेल्यूएट दिस फ्रॉम NEDs, थ्रू NEDs. नेक्स्ट पार्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. अब जब
क्योंकि हमने बोर्ड को इफेक्टिव बनाना है, नॉमिनेशन कमेटी ने बोर्ड को इफेक्टिव बनाना है. तो इफेक्टिव बनाने के लिए एक मेजर पॉइंट ये है कि डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए. तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नॉमिनेशन कमेटी की ही होती है. एंड देन इज सक्सेशन प्लानिंग फॉर डायरेक्टर्स, बिकॉज ये उसकी स्ट्रैटेजी मेकिंग में भी जो NEDs हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वो डायरेक्टर्स की सक्सेशन प्लानिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह से प्लानिंग को एक बेहतर, एक सक्सेसफुल प्लानिंग लेके आनी है जिससे डायरेक्टर्स की जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो जाए और जो कंपनी की पोजिशन है वो भी बेटर हो. एंड दे लास्टली दे इंश्योर द डाइवर्सिटी एंड राइट मिक्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि बोर्ड में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एक मिक्स होना चाहिए जो कि इस बोर्ड की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा. सो दिस इज़ नॉमिनेशन कमेटी. नेक्स्ट इज़ ऑडिट कमेटी. अब ऑडिट कमेटी क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है, लेट्स डिस्कस. ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 NEDs का होना लाजमी है. बेसिकली ऑडिट कमेटी मिक्स होता है EDs और NEDs का, बट मिनिमम 3 NEDs इसमें लाजमी होने चाहिए. NED स्टैंड फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. NEDs का होना लाजमी है. नेक्स्ट इज, अच्छा अब जो ये जो मिनिमम 3 NEDs हैं उसमें किसी एक का, और उन 3 NEDs में एटलीस्ट एक का फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना बहुत लाजमी है. नेक्स्ट इज ऑडिट कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स आर इन, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये पब्लिक कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी को. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा. नेक्स्ट इज असिस्टिंग द डायरेक्टर इन अप्लाइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. डायरेक्टर्स को असिस्ट करते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालना है, उसको अप्लाई करना है. देन कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस. एक्सटर्नल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिट कमेटी भी होती है. यही जो है उसकी इवेलुएट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर हायर हो रहा है, जो आ रहा है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कमेटी. अब इस कमेटी के फंक्शंस क्या होते हैं. नंबर 1 इज मॉनिटरिंग द इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट आके एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने ही करना होता है, बट उससे पहले ऑडिट कमेटी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटेग्रिटी को मॉनिटर करती है, और अगर उसमें कोई फ्लॉज हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, तो सबसे पहले वो बताती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट इज रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करती है कि जो बोर्ड ने या जो स्ट्रेटजी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की सजेशंस आई थी, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और जिस तरह से वो बताई गई थी वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही, उसका एक पूरा रिव्यू करती है, और उसमें और किस किस चीज़ों की, किन किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो बताती है. नेक्स्ट इज मॉनिटर एंड रिव्यू द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस. अब इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस को मॉनिटर भी करती है एंड रिव्यू भी करती है कि हाउ इट इज़ वर्किंग. एंड अगर कोई इंटरनल ऑडिटर्स को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई सजेशंस होती हैं, तो वो सबसे पहले ऑडिट कमेटी को आके कॉन्टेक्ट करते हैं. एंड द लास्ट स्लाइड इज़ फॉर ऑडिट कमेटी रिपोर्ट. अब जो ऑडिट कमेटी हमारे पास है, वो कमेटी वो हर साल अपनी एक ऑडिट कमेटी रिपोर्ट भी बनाती होती है, जिसमें जो रेम्यूनरेशन कमेटी या नॉमिनेशन कमेटी है उनमें ऐसा कोई बात नहीं होती, वो रिपोर्ट नहीं बनाते होते, बट ऑडिट कमेटी हर साल अपनी एक रिपोर्ट बनाती है जिसमें उसके कंटेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं कि सबसे पहले रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, कि वो बताते हैं कि ऑडिट कमेटी का रोल क्या है, फर्स्ट कॉन्टेंट में कि ऑडिट कमेटी का रोल क्या है एंड वो किस लिए बनी है और वो कंपनी में क्या क्या काम परफॉर्म कर रही है. नेक्स्ट इज़ नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, कि ऑडिट कमेटी के मेंबर्स कौन हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं. और थर्ड पॉइंट इज़ कि कितनी दफ़ा या कितनी बार एक साल में मीटिंग्स हुई हैं उनकी. फोर्थ पॉइंट इज़ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ड्यूरिंग ईयर. अब मेनली सिग्निफिकेंटली उन्होंने क्या ढूंढा है, क्या फाइंड किया है अबाउट कंपनी, कंपनी की वीकनेसेस क्या उन्होंने ढूंढी हैं और उन्होंने क्या सजेशंस दिए हैं उनको. फिफ्थ पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस. बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस को भी ये रिव्यू कर रहे होते हैं, उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर की ये इंडिपेंडेंस को भी इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो इन्हीं का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सप्लेनेशन देते हैं अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस. सिक्स पॉइंट इज कि ये ऑडिट मैटर्स को रिव्यू करते हैं, जितने भी ऑडिट मैटर्स हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज समरी ऑफ